उत्तराखंड कुमाऊं का लोक पर्व खतड़वा पशुओं की रक्षा और खुशहाली हेतु मनाया जाता है। खतड़वा पर्व मुख्यतः शीत ऋतु के आगमन के प्रतीक, जाड़े से रक्षा की कामना तथा पशुओं की रोगों और ठंड से रक्षा की कामना के रूप में मनाया जाता है। असौज महीने में पहाड़ों में खेती की भरमार रहती है। खतड़वा के दिन सुबह साफ सफाई, देली और कमरों की लिपाई की जाती है, क्योंकि असौज में काम ज्यादा होने के कारण घर के बड़े बुजुर्ग काम में व्यस्त रहते हैं। खतड़वा के डंडे बनाने और सजाने की जिम्मेदारी घर के बच्चों की होती है। घर में जितने आदमी होते हैं उतने डंडे बनाए जाते हैं। उन डंडों को कांस की घास के साथ उसमें अलग अलग फूलों से सजाते हैं। खतड़वा के डंडों के लिए कांस की घास और गुलफांक के फूल जरूरी माने जाते हैं। महिलाएं गाय के गौशाले को साफ करके वहां नरम नरम पिरोल बिछाती हैं। खतड़वा मनाने के लिए चीड़ की लकड़ी की मशाल छिलुक जलाकर खतड़वा के डंडों को गौशाला के अंदर से पशुओं के ऊपर से घुमाकर लाते हैं और ये कामना की जाती है कि आने वाले ठंडे में पशुओं के लिए अच्छा रहे और वो रोग दोषों से मुक्त रहे। फिर उन डंडों को लेकर और साथ में ककड़ी भी लेकर उस स्थान पर पहुंचा जाता है जहां एक चीड़ की डंडी में पिरोल रखी होती है। उसके बाद सूखी पिरोल में आग लगाकर उसे डंडों से पीटते हैं। उसके बाद सभी सदस्य खतड़वा की आग को पैरों से फेरते हैं या उसके ऊपर पैर घुमाया जाता है, जिससे कि ठंड के मौसम में ठंड परेशान ना करे। खतड़वे की आग में से कुछ आग घर को भी लाई जाती है, जिसके पीछे भी यही कामना होती है कि नकारात्मक शक्तियों का विनाश और सकारात्मक का विकास हो। जिसके बाद पहाड़ी ककड़ी काटी जाती है, थोड़ी आग में चढ़ाकर बाकी ककड़ी आपस में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है।